एक आजकल समाज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ऐसा नहीं कि सिर्फ ओल्ड एज में होता है, यंग एज में भी हो सकता है। बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जिनसे आर्थराइटिस और बढ़ जाती है। जैसे मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के नाते बताना चाहूँगा कि जो नए नवयुवक हैं, जवान हैं जो या यंगस्टर्स हैं, वो उनमें कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, वो हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए जाते हैं जिम। इस समय अगर समाज में हड्डी रोग के रेफरेंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आर्थराइटिस की है। तो आर्थराइटिस वैसे तो ओल्ड एज का की बीमारी है, बट अभी इस समय यंगस्टर्स जो है वो भी आर्थराइटिस की समस्या से काफ़ी परेशान है। उसका मेन कारण ये है कि वो या तो जिम में जाते हैं ट्रेडमिल, तो सबसे पहला ये सुझाव है मेरा कि ट्रेडमिल का यंगस्टर्स कम से कम उपयोग करें, उससे आर्थराइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। मैंने ये देखा जो रेगुलर ट्रेडमिल एक दो घंटे एक घंटे आधा घंटे चलाते हैं उनमें 3-4 साल में आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो पहला प्रिकॉशन ये लें कि ट्रेडमिल का उपयोग कम करें। अगर जॉगिंग भी करना है तो सॉफ्ट सोल पे और जो है अच्छे शूज से होना चाहिए। दूसरा, आर्थराइटिस 3 तरह की होती है। एक तो एज रिलेटेड होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा, ट्रॉमा से होती है। ट्रॉमा से जोड़ों में चोट आ जाती है, उसके कारण बाद में आर्थराइटिस हो जाती है। और तीसरा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया होता है जिसका भी यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज होता है। रूमेटॉइड में छोटे बड़े ज्वाइंट सारे मतलब रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और जोड़ जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए अगर हम प्रॉपर तरीके से और सही समय पे इलाज शुरू करते हैं तो जो बीमारी 10-20 साल में होनी है वो बीमारी 50 साल तक पीछे चली जाती है। तो वैसे तो कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का परमानेंट इलाज नहीं है, मेडिसिन लेते हैं और डिजीज़ डिले हो जाती है, उसी को गठिया भी बोलते हैं। दूसरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कंप्यूटर वर्क जिनमें लंबे समय तक करना है, तो उनका ध्यान रखना है कि पोस्चर सही रखना है और थोड़ी थोड़ी देर पे पोस्चर अपना बदलते रहना है। इस तरह हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। प्लस लेटते समय तकिया का इस्तेमाल और ये सब अगर नहीं करें या पतली पिलो लगाएं तो इससे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो हो सकती है। एक समस्या जो सबसे कॉमन पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें 45 से अब जितनी भी महिलाएं हैं वो कमर दर्द पे बहुत ज़्यादा एक मेन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिसमें वो महिलाएं ज़्यादातर ग्रसित हैं जो वर्किंग वुमेन हैं और जनरली पोस्ट मेनोपॉजल एज 40 या 45 50 के अब जो है जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उससे भी हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए मेरी सलाह यह है कि रेगुलर डॉक्टर से मिले और हर दो साल पे BMD एक टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, जिससे पता चलता है कि हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर हर दो साल पे वो BMD टेस्ट हो, साथ में कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है महिलाओं में, तो इनका सप्लीमेंट लेते रहें और इससे इस ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को हम निजात पा सकते हैं। तो उसमें 3 चीज़ मेन है, कैल्शियम विटामिन डी और BMD। इन 3 चीज़ों से ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस को डिले किया जा सकता है। प्लस अगर बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें कुछ हार्मोन थेरेपी होती है, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अगर जिन औरतों की महिलाओं की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उसके लिए कुछ अलग से इंजेक्शन है, हार्मोन इंजेक्शन है, पेरीपैराटाइड के इंजेक्शन होते हैं, उनसे भी उनको दर्द में थोड़ा आराम मिलता है। तो यही सलाह है हमारी 45 या उससे ऊपर की महिलाओं से कि रेगुलर हर 2 साल पे BMD का टेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के संपर्क में रहें और वो जैसा डाइट और जैसा एक्सरसाइज और प्लस मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें उसको लेती रहें, इससे एक स्वस्थ मेरा सुझाव यही है कि अपने ऑर्थोपेडिशियन या जो भी फिजिशियन से रेगुलर चेकअप कराती रहें और अपने
जो नॉर्मल लाइफ में बीमारियां आने वाली हैं उनको दूर करें और इस तरह एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।